हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सेवियों की खीर। इसे हम दूध वाली सेवियाँ भी कहते हैं। इसे आप त्यौहार पर बना सकते हैं या फिर डिनर के बाद आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए है 1 कटोरी सेवियाँ, आधा कटोरी चीनी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं काजू, किशमिश और बादाम। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और लिया है 1 लीटर दूध और इनसे मिलाकर हम आज बनाने वाले हैं दूध वाली सेवियाँ। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टीस्पून लेना है हमें देसी घी। देसी घी को गर्म होने देना है लो फ्लेम पर और जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सेवियाँ। 1 कटोरी सेवियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे रोस्ट करना है अब। और जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे इस तरह से भूनते रहना है। अच्छे से ब्राउनिश कलर इसका हो जाए तभी आप इसमें दूध डालें। तो इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहें और देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया। लगभग 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भुना था। अब इसमें हम दूध डालेंगे और दूध को उबाल आने देंगे और साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे सेवियाँ। तो इसे लगातार चलाते रहें, फ्लेम को फुल पे कर लें इस समय और फुल फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल आने दें। और इतने में ही ये जो हमारी खीर है बनकर तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है सेवियों की खीर बनने में। तो घर में आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। और अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से खीर का स्वाद जो है 2 गुना हो जाता है। तो इसे हिलाकर इस तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश, काजू और बादाम। और आप अपने पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग रख लीजिए ताकि हमें खीर बनने के बाद इसे हम गार्निश में ले सकें। अब इसमें मैं डालूँगी चीनी आधा कटोरी और इसे इस तरह से हिलाते रहें और फुल पे उबाले आने दें। और खीर जो है हमारी अब बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है इसका। आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।